अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग गाइस। तो आज बड़ा स्पेशल डे है। आप लोग गेस करेंगे आज क्या होने वाला है। आप लोग आगे व्लॉग में भी देखेंगे ये चीज़। अभी इस वक्त तो मैं हमारे घर के पास एक ग्रॉसरी शॉप है, वहाँ जा रही हूँ क्योंकि मेरी थोड़ी बहुत घर की चीज़ें ख़त्म हुई हुई थी वो लेने। एंड आज का मौसम बहुत अच्छा है यहाँ का, यहाँ बारिश हो रही है, ज़बरदस्त किस्म का माहौल हुआ है। ये देखें सारा, आप बिल्कुल लाइक खूबसूरत खूबसूरत से है। ये ग्रॉसरी शॉप है जी जहाँ मैं जा रही हूँ, तो चले जी। तो मुझे सिर्फ मिले हैं जी आलू, और मैं बैग भूल आई थी घर, तो मैं वापसी घर जा रही हूँ ताकि मैं बैग लूँ और फिर बाकी जगहों पर जाऊँ और चीज़ें खरीद कर आऊँ। चले जी आ जाइए। देखिए मौसम यहाँ का कितना प्यारा हुआ है। आज यहाँ पे तकरीबन 7 डिग्रीज है, ना इतनी ठंड है ना इतनी गर्मी, लेकिन अच्छा लग रहा है। हल्की हल्की बारिश की वजह से बहुत मज़ा आ रहा है। ये जी मैंने ग्रोसरी बैग अब घर से ले लिया है, मैं पैदल चल के जा रही हूँ टेस्को और कोहिनूर। यहाँ पे हलाल शॉप है उधर ये। अब काफ़ी ज़्यादा लोग मुझसे पूछेंगे जी, तो काफ़ी लोग मुझसे पूछेंगे कि भाई आप घर से ग्रोसरी बैग क्यों लेके जा रही हैं। यूरोप में कहीं पर भी आप लोगों को प्लास्टिक शॉपर्स प्रोवाइड नहीं किए जाते कि आप लोग सामान उसमें डालें और उसको घर ले आएँ उसमें, इसलिए आप लोगों को अपने ख़ुद के घर से ग्रोसरी बैग लेके जाने पड़ते हैं। आप उसमें डालते हो और उसमें से सारा सामान लेके आना पड़ता है। तो इससे जो भी यहाँ आ रहा है फॉर विजिटिंग पर्पज़ स्टडी पर्पज़, तो भाई ये ऐसी एक थैली ले लेना जहाँ से पहली दफ़ा आप शॉपिंग करोगे, बड़ी काम की चीज़ है ये। ये देखें ऑटम की फीलिंग्स आ रही हैं जी सारों को। ये आज तो बारिश है, नमी की वजह से सारे पत्ते चिपके पड़े हैं, बट कल बड़ी प्यारी हवा चल रही थी तो ये सारे स्लोली 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 गिर रहे थे जी। ये यहाँ के थर्मल बाथ हैं, ये देखें, जिसको हम सोना भी कहते हैं। मसाज सेंटर है यहाँ का सेकेंड में। ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है इधर बकायदा, यानी लोग टूरिस्ट वगैरह इधर आते हैं सर्दियों में। ये देखें जी, अंदर से मैंने कभी नहीं देखा हुआ, इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो लाजमी दिखाएंगे जी। फ़िलहाल तो हम जा रहे हैं टेस्को, जो सामने जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है ये वाली, इधर है टेस्को, तो हम उधर जा रहे हैं। ये देखिए जी, चलते चलते मैं आ गई हूँ, और जी ये रहा टेस्को। हम अंदर चलेंगे एंड यहाँ से मैंने सिर्फ एक खीरा लेना है, ज़्यादा कुछ भी नहीं, तो चलें जी। आज जी ये देखिए जी यहाँ का खीरा। अब मैंने ब्रेड लेना है जी, अब हम जी सामने काउंटर जा रहे हैं। ये देखें ये फ्रेश बेकरी है यहाँ की। अरे वाह, इन लोगों ने सारा सिस्टम चेंज कर दिया, लाइक इट। तो जी अब मैं पैदल चल के वापस घर जा रही हूँ, बिकॉज़ हमने आइकिया से थोड़ा सा सामान मंगाया था, तो जी वो डिलीवर हो गया है। ये सामान जी इस डब्बे में, बड़ा सा डब्बा था, अच्छे से हर चीज़ पैक हुई हुई थी, डस्टबिन, थोड़ी सी वाटर बॉटल, ये ग्लास की कंटेनर्स, ये वाटर ऑर्गेनाइज़र था, एंड इसमें सबसे बड़ा पार्सल जो था माशाल्लाह से वो था जी ये टेबल, ये स्टडी टेबल, जिसे अभी मैं फ़िक्स करूँगी। तो आप सबके साथ साथ ये देखें जी, मैंने इसे फ़िक्स करना शुरू कर दिया था, तो इसकी दो टांगे मैंने लगा दी हैं एंड इसके साथ स्क्रू वगैरह आई है कि जिसे बहुत इजी होती है असेंबल करने के लिए। और ये तीसरी टांग जो मैं इसे लगा रही हूँ, ये इसके स्क्रू हैं जो दिए हुए हैं,
और इसकी ये मेरे बाबा का स्क्रू ड्राइवर मैं चोरी करके ले आई थी जी, तो इसलिए ये यूज़ जी। तो मैं आ गई थी घर, आइकिया का ऑर्डर रिसीव कर लिया। मैं खीरे लाई थी, ब्रेड लाई थी एंड आलू लाई थी जो मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ। इस वक्त मैं करंटली बना रही हूँ बिरयानी, क्योंकि हमारे घर आ रहे हैं मेहमान। ये देखें जी, और ये तैयारियाँ फुल ज़ोरों शोरों से हो रही हैं, आप लोग बस गैस करें कि कौन आ रहा है। फुल तैयारियाँ जी। तो अब मैं रास्ते में हूँ हमारे ट्रेन स्टेशन के। इस वक्त करंटली रात के ऑलमोस्ट 7:30 हो रहे हैं जी। मैं अपनी पहली ट्रेन तो मिस कर चुकी हूँ, जो मैंने एक्चुअली लेनी थी बुडापेस्ट जाने के लिए, लेकिन जी अब ये आखिरी ट्रेन है जो 8:45 पे निकलनी है, जिसका मैं इंतज़ार कर रही हूँ। टिकट्स वगैरह मैंने नीचे से परचेज कर ली थी एंड ये रात के मनाजिर हैं, फुल ठंड। एंड जी ये ट्रेन है जी, ये इसकी सेकंड क्लास कंपार्टमेंट है ट्रेन का, जिसके अंदर मैं इनिशियली बैठ गई थी। मैंने टिकट फर्स्ट क्लास की ली थी, लेकिन मुझे कंपार्टमेंट मिल नहीं रहा था, तो मैं इधर बैठ गई थी। इसके अंदर फ्री वाईफाई मेरे पास अवेलेबल था एंड यहाँ पे हीटिंग वगैरह सब कुछ थी। मुझे बहुत भूख लगी हुई थी, तो मैंने अपना बिरयानी खा ली थी और बाकी पार्सल्स मैंने बना लिए थे, क्योंकि हमें घर आते आते देर हो जानी थी जी। तो मेरी टिकट फ़र्स्ट क्लास की थी, तो मुझे जो कंडक्टर थी उन्होंने आगे भेज दिया था। ये फ़र्स्ट क्लास की पूरी अरेंजमेंट और कैबिन है, ये देखिए। सेकंड कंपार्टमेंट और स्लीपर क्लास से काफ़ी बेहतर है, लेकिन ऑफ कोर्स इट कम्स विद अ कॉस्ट, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस फॉर मी। बहुत अच्छा और बिल्कुल लेदर टाइप सीट थी, तो काफ़ी अच्छा है ये जी। यहाँ जिस तरीके से एरोप्लेन की फ़र्स्ट क्लास और बिजनेस क्लास के अंदर ये होता है ना बटन सा, वैसे इधर भी ये बटन सा है जो यहाँ से ये ऊपर कर देता है। ये देखिए, मैं क्लिक करूँगी तो ये ऊपर ले आएगा, ये देखिए। अमेजिंग। इधर से सीट आगे पीछे हो जाती है, आई गेस बेड भी बन जाती है। सही, मतलब आप आराम कर सकते हैं इस तरह। एंड ये भी कोई इलेक्ट्रॉनिक बटन है जिसका मुझे कोई अंदाजा नहीं है क्या करता है। ये शायद वॉल्यूम का है एंड ये टेम्परेचर का है, ये ब्राइटनेस का है, ये आई डोंट नो क्या है, मुझे खास कोई अंदाजा नहीं। ओश या जी, मैं इन बटनों के साथ छेड़ाछाड़ी कर रही थी, तो जी ये देखिए फाइनली मैंने फिगर आउट कर लिया कि ये वाला किस लिए है। आप इसको ऐसे करते हैं, फुल ले जाएंगे, ठीक है, एकदम फुल। और ये देखें जी, टन 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 टन, लाइट ऑन हो गई है। इतने मज़े के लाइक सीट्स हैं, कंफर्टेबल, वेरी नाइस। ये देखें, बिल्कुल आप देख सकते हैं, वेरी स्मूथ सीट्स, काफ़ी अच्छा है, दिस एक्सपीरियंस इज़ गुड। ये देखें, चार्जिंग केबल एंड कोर्ड्स दोनों चीज़ें हैं यहाँ। ये टेबल स्पेस काफ़ी अच्छी है, दैट गिव इन दीवी। एंड ये लाइक हेड लैम्प टाइप थिंग भी है इधर, जो कि लाइक इस तरफ मेरे पास जी। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा एक्सपीरियंस है। ये जी यहाँ के बाथरूम है, ये देखिए ये चाबी है जिसको मैंने दबा दिया था, इस वक्त लॉक्ड है। एंड ये देखिए, बिल्कुल एरोप्लेन स्टाइल का वॉशरूम है, बिल्कुल सेम टू सेम, ये देखें जी, एकदम सेम। अब मैं इधर वेट कर रही हूँ, ये देखें जी, यहाँ पे इस तरह के मज़े के बटन होते हैं, ये देखें, ऐसे दबाओ जो ये खुल जाते हैं। मैं पंगे ले रही हूँ यहाँ बैठी बैठी। ये बेल है, आपने बेल दबाई, आप डायरेक्ट क्या नाम है उनसे बात कर सकते हैं जो ट्रेन का ड्राइवर है। एंड ये देखें कितने मज़े के हैं, लुक। मैं पहुंच चुकी हूँ फेरी हेज, ये टाटा अल्लाह हाफिज़, बाय बाय टू फर्स्ट क्लास। एंड अब हम जा रहे हैं, E200 बस है, वो हमने पिक करनी है, यानी वो मैंने लेनी है अभी। मैं उस बोर्ड पे, जो येलो रंग का बोर्ड है, ये ट्रेन चू चू ट्रेन, ओके या तो येलो रंग का ये है, इसके ऊपर से मैंने देखना है। E200 9 मिनट में आ रही है, यहाँ लिखा हुआ है, तो मैं ये लूँगी और इसके साथ में जाऊँगी आगे, तो शायद मैं अंदर ही इंशाल्लाह टिकट ले सकूँ इसकी, क्योंकि यहाँ तो कोई टिकट बूथ नज़र नहीं आ रहा मुझे। वो टिकट बूथ है, लेकिन अब मैं पीछे मुड़ के नहीं जा रही जी। मैं इधर से ट्राई करूँगी लेने की, अंदर से ही, अल्लाह करे मैं ले सकूँ, अगर नहीं ले सकी तो फाइन हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। अल्लाह मालिक है।
जी मुझे मिल गई है ये बस, और इस वक्त हम लोग करंटली हैं एयरपोर्ट के रास्ते में। जो ये बस है ये टर्मिनल 2A अराइवल्स के अंदर जाके उतारती है। एंड जी ये देखें जी, अब हम अंदर जा रहे हैं। ये मेरे बाबा हैं जो बेसिकली गेट ओपन कर रहे हैं मेरे लिए, एंड आप लोग का इंतज़ार ख़त्म हो जाता है। मेरे फैमिली मुझसे मिलने आई हुई है इधर, एंड ये मेरे फादर मेरे आगे चल रहे हैं, एंड वो मेरी मामा एंड मेरे भाई हैं जो कि मेरे साथ थे, जो मेरे साथ यहाँ भी 2 हफ्ते तक रहेंगे। जी ये देखिए मेरी फैमिली मुझसे मिलने आई है। इसके बाद जी हम लोग गए थे यहाँ, ये क्लास वैगन है जहाँ से हमने कार रेंट की थी। ये मैं एंड बाबा आगे जा रहे हैं। हमने ये कार रेंट की थी 4 दिनों के लिए, क्योंकि बाबा सिर्फ यहाँ 4 दिन के लिए थे। हम वहाँ से ड्राइव करते हुए सेगेद वापस आ गए थे। जी हमें तकरीबन लाइक रात के ऑलमोस्ट 2-3 बज गए थे घर आते आते। मैंने घर अल्हम्दुलिल्लाह सारा सेट करके गई थी, तो ये यहाँ पे मैं और मेरा भाई सो रहे, मामा पापा बेडरूम में। तो जी आज का व्लॉग हो जाता है इधर ही ख़त्म। आई होप आप सबको व्लॉग पसंद आया हो, बहुत इन्जॉय किया हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर व्लॉग्स। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए शब्बा खैर, अल्लाह हाफिज़।